राम राम दोस्तों, जोहार दोस्तों, जोहार, नमस्ते इंडिया। आप सबका गणेश सावित्री की जोड़ी में ये चैनल में दिल खोल के स्वागत है। आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी है। एनर्जी इसलिए, एनर्जी रहने के पीछे मैं रीजन बताता हूँ कि बहुत से लोगों की एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी कम क्यों होती है कि अपना खान पान जो है वो आज बहुत ही मॉडर्न खान पान हो चुका है, जो पाश्चिमात्य जिसको बोल सकते हैं, साउथ इंडियन सब ये चिल्लर चिल्लर बाकी सब चीजें लोग खाते हैं, लेकिन आप पौष्टिक चीजें खाते नहीं। जैसे मेरा, आइए देखिए, घाव ठीक होने का नाम ही नहीं। तो मैं आज आपको ऐसी पौष्टिक चीज बताऊंगा जिसके आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, ब्लड बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। वो है ये आज बीट। बीट जो है इसके काफी फायदे हैं, और बीट के जो फायदे हैं वो आप लोगों को वैसे पता भी होंगे, नहीं भी पता होंगे तो आप इस फायदे को नोट कीजिए। जी बिल्कुल। ऐसा है कि बीट डायरेक्टली नहीं खाया जाता, खाने को कैसा जाने इच्छा नहीं होती लोगों की, तो बीट को थोड़ा सा रूपांतर करके अगर खाएंगे तो अच्छा भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, पौष्टिक भी रहेगा, और उसके सारे फायदे भी आपको मिलेंगे। तो मैं कैमरा आपकी तरफ कर देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा बीट के फायदे। बीट रूट जो है, बीट जिसको बोला जाता है, इसके काफी फायदे। इसको चकुंदर भी बोला जाता है, शलगम भी बोला जाता है, और बीट भी बोला जाता है। तो बीट के जो फायदे है, ये बीट सबसे पहले तो बीट आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये ब्लड के लिए अच्छा, ये आपके ब्लड को बढ़ाता है, मतलब ब्लड को सेफ रखता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट रखता है, लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब भी आप बीट खाते रहोगे तो आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनीमिया के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होने से विटामिन सी भी है, उसकी वजह से आयरन भी है, तो इसके लिए एनीमिया के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर ये खाते रहोगे तो आपको एनीमिया कभी नहीं होगा। उसके बाद इसमें नाइट्रेट रहता है, नाइट्रेट रहने से आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद। और ये तेल की जो सारे पदार्थ है, मतलब लीवर में आपका जो भी फैट या तेल जमा है उसको निकाल के बाहर फेंक देता, इससे क्या होता कि लीवर प्रोटेक्ट तो रहता ही है, साथ में आपको और भूख लगती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद ये हार्ट के लिए फायदेमंद, ये वेट लॉस करता है, वजन कम करता है, वो भी एक, इसमें कैलोरीज बहुत कम है। डेली खिलाऊंगी बिल्कुल, मेरा वजन तो कम करना ही है ना। उसके बाद सबसे खास फायदे से बोले तो आपको अगर किसी को जोड़ों में तकलीफ है, दर्द है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात तो मैंने देखा, हमारे गणेश जी बीमार नहीं पड़ते, काफी मात्रा में तेल खाते हैं और उसके साथ साथ में बीट खा देते हैं। और इसमें कुछ ऐसा, इससे आपके ब्रेन को भी एक्टिव रखता, तो इसलिए बीट जो है हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा है, एनीमिया में फायदेमंद है, विटामिन सी है, आयरन है, आपके ब्रेन को फायदेमंद रखता है, वेट को लॉस करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट रखता है। तो इतने फायदेमंद बीट के पराठे आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरू की पहले मैंने ये बीट ले लिया है, छोटा सा, मीडियम आकार का, बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। बीट सलाद के तौर पर भी खाया जाता है। अगर एक एक रोटी भी बीट, अगर बीट का रोटी अगर डेली मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कम से कम 50 से 100 ग्राम बीट डेली एक आदमी ने खाना चाहिए, तो उसको जिंदगी में लीवर का प्रॉब्लम, एनीमिया, ब्लड, कभी इन चीजों का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। और दोस्तों आप लोग देखे होंगे, हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो एक टुकड़ा करके बीट थाली में जरूर रहता है ना गणेश जी। और अब बीट क्या करना है, बीट में मैल बहुत रहती है, इसलिए बीट को पहले अच्छे से धो लेना, धो लेने के बाद इसका छिलका निकाल लेना, मैं अभी निकाल दूंगा, उसके बाद इसको मिक्सर में बारीक कर लेना है, या तो फिर इसको इस पर भी आप बारीक कर सकते हैं, घिसनी पर। अच्छा, मूली का पराठे जैसे। पर अगर टाइम नहीं है, फास्ट करना है, तो फटाफट मिक्सर में भी इसको ग्राइंड कर सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इसको धीरे धीरे पूरा छिलके निकाल लेने, ऐसे छिलनी से भी निकाल सकते, नहीं तो इससे चाकू से भी निकाल सकते। दोस्तों इधर से बीट के टुकड़े कर रहा हूँ, बारीक बारीक कर लेने हैं, और इसको मिक्सर में करना है एकदम बारीक, तो उसको पेस्ट बना देना है। पेस्ट बना देना, बिल्कुल बिल्कुल पेस्ट। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो ऐसे करके आप पीस के बना सकते हैं। आपका एक पुराना डायलॉग है, घंटों में मिनटों में कुछ, घंटों का काम मिनटों में। इधर से मैंने हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, हरी धनिया ये सब ले लिया, इसकी बनाऊंगा पेस्ट। जी जी बिल्कुल, पेस्ट
अगर मैं इसमें डालूंगा तो इसकी बढ़ जाएगी टेस्ट। ओह क्या बात है, ये मेरा बन गया है लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट, धनिया पत्ता भी है। हाँ लहसुन मिर्ची अदरक धनिया पत्ता इसका ये पेस्ट, इधर से बीट का ये जो मैंने बारीक कर लिया ये। जी जी जी। मैंने ले लिया एक कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा लेने के बाद इसमें अब मैं डालूंगा ये वाली पेस्ट और डालूंगा इसमें ये बीट का बारीक किया वाला बीट जो अपन ने ग्राइंड किया था, बीट डालूंगा, पेस्ट और बीट ये दोनों मैंने ऐसे आटे में डाल दिया है गेहूं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा टेस्ट बढ़ाने के लिए तिल। क्या क्या है थोड़ा पहले बता दीजिए। हाँ तिल, हाँ? जिसको तिल्ली बोलते, तिल पिसा हुआ जीरा जी, गरम जो फ्राई करके है मतलब रोस्ट किए वाला पिसा वाला जीरा, काला नमक, सादा नमक, सेंधा नमक, तीनों टाइप के नमक इसमें है, अजवाइन, मिर्ची, धनिया पाउडर और चाट मसाला थोड़ा सा जी, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं अब अच्छे से गून लूंगा आटे को। पानी इसमें डालने की ऐसी जरूरत नहीं है, पर अगर ऐसा लगे कि पानी के थोड़ा सा है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी, बीट का पानी डाल दिया है, ऐसे जरूरत नहीं पर कुछ कुछ लोग डाल लेते क्योंकि अगर, तो अगर आपका जैसे बीट आपने पीस के रखा, हाँ, जो भी करके रखा, अगर उससे आपका आटा मल हो जाता है, अच्छा से मल सकते हैं, तो पानी देने की कोई जरूरत नहीं। और दोस्तों ये देखो मैंने आटा बिल्कुल बढ़िया बीट का लाल लाल हो चुका है और अब इसमें थोड़ा सा लगाऊंगा तेल, ऊपर से थोड़ा सा तेल दे दिया, अपने हाथ चिपकेगा। जी जी, ये भी आपने मुझे बताया फॉर्मूला जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ जब भी मैं आटा मलती हूँ दोस्तों, ऐसे ही मैं थोड़ी सी तेल ले लेती हूँ ताकि हाथ में मेरा चिपके ना। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, या आप लोग को भी एक थोड़ी सी अगर हो सके तो आप थोड़ा सा कभी भी आपका गीला वीला हो जाए तो ये फॉर्मूला जरूर अपनाइएगा। जी जी बिल्कुल। ओके तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। छोटी छोटी मैं लोई बनाऊंगा और इसमें तेल लगा लिया, हाथ में भी आप लोग तेल लगा लीजिएगा और अब इसको मैं बढ़िया इसकी बहुत सुंदर तरीके से इसकी बनेगी रोटी और आप पूरी भी बना सकते हैं, पर रोटी बनाने का अच्छा है पराठा। जी जी जी। तो दोस्तों इधर से मेरी ये बीट की रोटी, बीट का पराठा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया है, पता नहीं कौन से देश का नकाशा बन गया। ये पराठा का बोलना है कि सावित्री आपकी धर्मपत्नी को दीजिए बेलने के लिए। नहीं मैं बेल के देख रहा हूँ, मुझे भी तो सीखना पड़ेगा ना, ये कोई ना कोई देश का, अरे आपको आता है, ये कोई देश का मैप बन गया, गोल नहीं बना। तो ये देखिए दोस्तों मैंने कैसे तो भी रोटी बना ली है आड़ी टेढ़ी और अब ये बीट का पराठा मैंने तवे पे डाल दिया, अब ये बनेगा पराठा बीट का। तो अच्छे से अभी पकाना है दोनों साइड से, बहुत अच्छे से ये पक जाएगा और ये देखिए मेरा काफी पक भी चुका है देखिए, और अब इसमें दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देना है, ये साइड से तेल डाल देना है, थोड़ा सा इसको फैला लेना है इसे, और इसके बाद यही तेल इधर पर थोड़ा सा इसको फैला, ज्यादा तेल नहीं डालना है, आधा चम्मच बस, क्योंकि ये पौष्टिक पराठे हैं, बीट के तेल ज्यादा डाल के इसको खराब नहीं करना। एक ही साइड में हल्का सा तेल डालना है, दोनों साइड भी डाले तो थोड़ा सा ही डालना है, आधा आधा एक एक बूंद, एक एक बूंद हाफ टी स्पून बस, ज्यादा। तो ये देखिए मेरे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके, चलो मुझे भी दिखाओ मैं बना रहा हूँ। ओह मेरे गणेश जी छूट गए थे, मेरे गणेश जी का कहना है कम से कम मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा फेस भी थोड़ा सा ले लीजिए। अरे गणेश जी आप झारखंड के नंबर वन जीजाजी ठहरे, आपको मैं कैसे नहीं लूं वीडियो में। हा? कैसा बना मेरा पराठा? मस्त मस्त मस्त, झकास खुशबू भी मस्त आ रही है, झकास खुशबू नहीं कहते उसे, बास कहते, बास मतलब बदबू, अच्छा खुशबू मतलब सुगंध, अच्छा अच्छा ऐसा रहता है। पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसे मैं खाऊंगा, बढ़िया बहुत टेस्टी पराठा, बहुत ही चाव से, अचार के साथ, वैसे तो सब्जी के साथ खाओ, दही चटनी के साथ खाओ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं अचार के साथ। तो दोस्तों देखिए इधर से मेरा ये बीट का गर्मा गर्म पराठा तैयार हो चुका है और अभी इसे मैं खाऊंगा ताकि इससे दिन भर मुझे एनर्जी मिले। और दोस्तों ये आप सुबह सुबह जब ड्यूटी पर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दो पराठा खा के जाइए, दिन भर आपकी पूरी थकान मिट जाएगी। और खास करके अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए जरूर बनाइए गर्मा गर्म बीट की स्कूल में दो यही दीजिए, या फिर आप तेल मत दीजिए, रोटी बनाइए। हाँ तेल कम दे सकते हैं, जरूर नहीं देना है, आप रोटी बनाइए, तेल दीजिए उसको,
एक थीम डाली दोस्तों। अब जाके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और फाइनली हमारे प्लेट में खाना आ चुके हैं। ऐसे खाना मेरा सब कुछ बन चुका था, लेकिन वीट के पराठे के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बनाएंगे गणेश जी और खाएंगे हम लोग भी गर्मा गर्म वीट के पराठे। तो चलिए हमारी थाली सज चुकी है, थाली सज चुकी है और हमारे गणेश जी कूद पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। हाँ क्या अच्छा बना। तो दोस्तों साथ में आज का खाना है भिंडी भाजी पापड़ और चावल, बस इतना ही आज का। इसी तरीके से आपको गणेश सावित्री की जोड़ी में तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलते रहेंगे और हम भी खाते रहेंगे साथ में। देखने को मिलेंगे, पार्सल कर दीजिए तब। हाँ हाँ, देखने को मिलेंगे और हम उनको खाने को मिलेंगे और हम भी खाते रहेंगे साथ में। तो दोस्तों आई होप आज का रेसिपी पसंद आया एंड पौष्टिक। तो दोस्तों आज का रेसिपी आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों हमारे गणेश जी का मतलब बहुत ज्यादा भूले हैं, हमारे रेसिपी पसंद आया है। पसंद आ गया देखने तो दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।